आपने शिवाय के ट्रेलर की तारीफ की थी तो क्यों आपने हिम्मत वाला पार्ट टू लिखा? हाँ, अगली बार हाँ, अब आपने ये भी लिखा कि अब बर्बाद होने से कोई हाँ, नहीं बॉम्बे वेलवेट बनेगी। हाँ ये भी मैं वो क्लियर करता हूँ, ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक ये भी क्लियर ये भी क्लियर करता हूँ मेरे दोस्त ये भी क्लियर करता हूँ। नंबर वन, जब शिवाय का ट्रेलर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात खत्म। जब सेकंड आया तो मैंने कहा कि ये मुझे हिम्मत वाला टू लग रही है। किस एंगल से? ये तो मैं डिसाइड करूंगा, तू थोड़ा डिसाइड करेगा किस एंगल से। नहीं ये तू डिसाइड नहीं करेगा बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा, क्रिटिक मैं हूं, ये मैं बताऊंगा कि क्यों और क्यों नहीं, ये तेरा काम नहीं है। नहीं ये रीजन नहीं बता सकता ना, रीजन कैसे पूछ लोगे तुम, क्रिटिक मैं हूं ना। एनीवे चलिए, तो मैंने ये कहा, अरे भाई अंदर आने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम भाई, अंदर आ जाओ यार, थोड़ा मैंने बोला था पीछे, इधर आ जाओ यार, क्यों बाहर खड़े लोगों को ये कर रहे हो यार, आ जाने दो भाई अंदर सबको यार, अंदर आप खड़े होके इधर आ जाओ यार, थोड़ा सा प्लीज यार, अंदर आ जाने दो सबको भाई, थोड़ा आप उधर आ जाओ ना, उधर आ जाओ प्लीज, थोड़ा उधर आ जाओ यार, ऐसा मत करो भाई, आप ही के साथ ही है सब लोग, हटा दो। हाँ हाँ ओके, हाँ सुनिए जी सुनिए, ऐ दिल है मुश्किल का ट्रेलर टीजर आया, ट्रेलर भी नहीं टीजर आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है, अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूं, सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूं, क्यों करूं भाई। जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं, मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते, बॉम्बे वेलवेट वाली, अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये जो आप मैंने ये कहा कि ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा, उसके बाद क्यों कहा उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस है, ये हिम्मत वाला टू बन ही जाएगी। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता, तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मुझे मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सॉरी अजय देवगन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा कि अगर मैं आपकी फिल्म के बारे में बुरा कहूंगा तो आपकी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता सर, शुक्रिया सर। Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.